तो कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो इसीलिए चाणक्य की जिंदगी से वो पांच चीजें हमें सीखने को मिलती है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर चाणक्य की जिंदगी की ये पांच बातें आपने सीख ली तो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर वन, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना हो तो आपको चुप रहना होगा और अपने विवेक से काम लेना होगा। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी विवाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और फालतू की बातों में नहीं पड़ना है। नंबर टू, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए। ज्यादातर लोग अपने चहेते को या तो फिर अपने जो भी नजदीकी रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, मतलब कि बता देते हैं, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी साबित हो सकती है। जब आपका होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हो। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ आप कई गहरे रिश्ते में बन जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी जो भी लोग मिले हैं या तो फिर जिनके साथ अच्छा रिश्ता है उनको हम बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है। आप चाहो या ना चाहो घर के बाहर बात पहुंच ही जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं हो सकती। और वैसे भी आपको पता ही है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है और उसी कमजोरी का लोग आपसे फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए ऐसे में आपको कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपकी पत्नी क्यों ना हो या फिर आपसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो। आपको किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए इसे बताने से जरूर डरना है। अगर आपने अपनी कमजोरी को बता दिया तो आगे जाकर आप बुरी तरह से फंस सकते हो। नंबर थ्री, धन का सोच समझ कर खर्च करना। वैसे ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल हैं। बात बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है, ना सुख है, ना समृद्धि है। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। वैसे पैसों की ही बात चल रही है तो पैसे कितने जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे, और पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना आप बचाते हो। वैसे चाणक्य ने पैसों को बचाने के लिए अपनी नीतियों में बहुत ही बार कहा है, और मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए हैं जिसमें बताया है कि पैसे आपको बचाने चाहिए। और एक स्पेशल ग्रो के लिए भी वीडियो बनाया था जिसमें आप ग्रो ऐप को यूज करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर देखें। वैसे ग्रो को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी अच्छा रहा है और काफी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। सो अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रो का, उसे आज ही डाउनलोड या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करके भी ग्रो डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी डिटेल डालनी है, पैन कार्ड डालना है और KYC वेरिफिकेशन करना है। भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि सिस्टमैटिक प्लान इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महीने के 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 साल में आपके पास होंगे अराउंड 20 लाख रुपीस। बट जरूरी नहीं कि आप 5,000 ही महीने में बचाओ, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो या फिर इससे कम भी इन्वेस्ट करके पैसों को बचा सकते हो। सो ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि पैसों को जो इंसान बचाना सीख जाता है वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि धन है तो जीवन है, वो चीज कितनी जरूरी है, और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास ज्यादा पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं है कब पलट जाए, इसीलिए आचार्य चाणक्य की ये लाइन याद रखे, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए धन कमाए, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी उसे खर्च करें। नंबर फोर, जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो आपके साथ बैठे रहते हैं, आपसे बातें करते हैं,
आपने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात रखी और वो उसे गौर से सुनने के बजाय अनदेखा करते हैं, तो उसी टाइम में समझ ले कि ये इंसान आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचे। ऐसे लोगों को सिर्फ वही बात बताएं जिन्हें आप हर किसी के साथ शेयर कर सकते हो। अपनी निजी या फिर इंपॉर्टेंट बातों को ऐसे लोगों से करने से बचे। ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल जाएगी। ऐसे लोग इन बातों को दूसरों को भी बता देते हैं। इन लोगों पर विश्वास कभी ना करें। नंबर 5, खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आप मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग आज खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों के कारण दुखी हैं। जिनका मन उनके साथ नहीं होता है वो व्यक्ति दुखी रहता है, और इस दुख का कारण है लगाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपने रिश्तों के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, और सभी दुखों की जड़ ये लगाव ही है। जब आप किसी के साथ हद से ज्यादा लगाव रखते हो तो आप माया और मोह के चक्र में फंस जाते हो, और यही आपके दुखों का कारण होता है। चाणक्य की बातें वर्तमान माहौल में एकदम सटीक बैठती है। आजकल हमें देखने को मिलता है कि आजकल के जो भी यूथ है, जो रिलेशन में रहने लगा है, वो अपनी नौजवानी की एज में वो रिश्ते में रहने लगे हैं, और जब इस रिश्ते में थोड़ी सी भी आपस में खिंचखिंचाहट होने लग जाए या फिर झगड़ा होता है तो वो तनाव में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसे अपने पार्टनर को खोने का अंदर से डर लगा रहता है, और इसी बात को लेकर वो टेंशन में डूब जाता है, और वो अपना करियर तक बर्बाद कर लेते हैं एंड बहुत ज्यादा बुरी चीजें कर लेते हैं। तो इसीलिए ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना है, वरना आपको कभी ना कभी पछतावा जरूर करना होगा। So that's it, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप इन बातों को समझे होंगे। आई नो कि कुछ बातें ऐसी थी जो थोड़ी अटपटी होगी, लेकिन आप ध्यान से समझोगे तो ये बहुत ही जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक आपकी जिंदगी के लिए और आपके सपनों के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट में ये